Hello students, welcome to MABN online classes, and today I discuss our new chapter formatting in Word. तो यहाँ पे हमारा जो न्यू चैप्टर है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एडवांस फॉर्मेटिंग इन वर्ड. तो देखिए आपके सामने हम स्क्रीन है, वर्ड की स्क्रीन है, ये हम आपको प्रोजेक्टर पे बता रहे हैं. पहले वर्ड, ये वर्ड की स्क्रीन है, इसी पे हम फॉर्मेटिंग करके आपको दिखाएंगे. तो यहाँ पे हम आपके बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, और बुक में आपका सबसे पहला फॉर्मेटिंग है वो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है. तो देखिए स्टूडेंट्स, जो फॉर्मेटिंग होता है, फॉर्मेटिंग ही आपके पेज के लुक को डिजाइन करता है. आपका पेज जो डिजाइन होता है, आप अपनी बुक्स वगैरह जो भी देखते हैं, उसमें जो वर्ड होते हैं बोर्ड फॉर्म में होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, और इसके अलावा उसमें और भी बहुत सारे कलर फॉर्मेट होते हैं, बहुत सारे उसके अलग अलग व्यूज होते हैं. उन सभी को जो चेंज किया जाता है, उनको जो बदला जाता है, वो सारे चेंजेस हमारे फॉर्मेटिंग के तहत आते हैं. अब हम इस वर्ड में, एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग में सबसे पहले पढ़ेंगे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग. तो ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम पैराग्राफ टूल्स का यूज करेंगे. तो हम देखेंगे होम टैब के अंदर, आपका ये होम टैब है, इस होम टैब के अंदर आपको ये पैराग्राफ नाम का एक टूल्स मिलेगा. तो इसके अंदर हम लोग जैसे ही आपको किसी भी तरीके का कोई भी हमें फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करना है, तो इसी के अंदर के सारे ऑप्शंस का ही हम यूज करेंगे. सपोज करिए कि हमने कोई लाइन लिखा, हमारी लाइन कुछ भी है, ठीक है. जैसे हमने लिखा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक, सबसे पहले जान लीजिए वो भी पैराग्राफ स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है इस सिंबल से. ये आपको सिंबल मिलेगा उल्टा पी का, इसे उल्टा पी कहते हैं. तो हम इसमें क्लिक कर देंगे. तो देखिए हमारा पैराग्राफ, पैराग्राफ के पहले आपका कर्सर है, जैसे ही आप इंटर करेंगे, पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे, वो वहीं पर रुक जाएगा, जैसे हमने ये इंटर कर दिया. अब देखिए ये यहाँ पर स्टॉप हो गया, ये पैराग्राफ आपका यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से स्टॉप हो गया. तो ये सिंबल जो आपको क्या बताएगा, ये पैराग्राफ के स्टॉप पार्ट पे ये लगेगा, ठीक है, ये पैराग्राफ का सिंबल है. इसके बाद आपका है ये जो पहला वाला सिंबल है, ये उसे कहते हैं हम लोग बुलेट. बुलेट मतलब जैसे हम लोग अपने बुक्स वगैरह, अपने कॉपी, अपने नोट में लिखा लगाते हैं क्रॉस का सिंबल या 1, 2, 3 का सिंबल, उसको कहते हैं बुलेट्स, ठीक है. तो ये आपके बुलेट्स हैं. बुलेट्स में आपके अलग अलग किसी भी तरीके का आप सिंबल लगा सकते हैं. जैसे हमने मान लिया दिया ये सर्कल, तो देखिए आपका क्या है यहाँ पे, ये सर्कल है, और ये जो आपका सिंबल आ रहा है देखेंगे एक एरो बन रहा है, ये एरो होता है आपका पैराग्राफ स्टार्ट का सिंबल है, और उसके पहले सर्कल आपका ये क्या है, ये बुलेट्स का सिंबल है, देखिए एक्टिव है. उसके अलावा आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, हेडिंग सब हेडिंग लगाने के लिए, नंबरिंग के लिए ऑप्शन है आपका. यहाँ पे आप देखेंगे जब आप इस पर क्लिक करते हो तो इस तरीके के आपके ऑप्शन आते हैं. यहाँ देखिए ये हो गया 1, 2, 3, 4. अब अगर आप इंटर करते हो तो ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है. आप कुछ भी लिखोगे, देखिए ये पैराग्राफ, ये सिंबल है आपका, ये आपका क्या है, बुलेट्स है, 1, 2, 3 न्यूमेरिक बुलेट्स इसे कहते हैं. इसके बाद ये जो आपका इसके नीचे दिया हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अलाइनमेंट आपके बुक में दिया हुआ है. देखिए अलाइनमेंट में यहाँ पे आपको 4 अलाइनमेंट मिलेंगे, जो सबसे लेफ्ट साइड में उसे आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, फिर सेंटर अलाइनमेंट, फिर राइट अलाइनमेंट, और लास्ट में आपको मिलेगा जस्टिफाई अलाइनमेंट, ठीक है. तो ये अलाइनमेंट क्या होते हैं, अलाइनमेंट होता है आपके कर्सर की पोजीशन. जब आप कोई भी कर्सर, कोई भी टॉपिक आप मान लीजिए बीच से आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, सेंटर पार्ट से, तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको सेंटर अलाइनमेंट लगाना पड़ेगा. जब आप सेंटर अलाइनमेंट लगा देते हो
सपोज करिए कि आपने ये सेंट्रल अलाइनमेंट लगाया, ठीक है, ये सेंट्रल अलाइनमेंट हमारा एक्टिव है। देखिए ये आपका कहाँ क्या आ गया कर्सर, ये सेंटर है। अब आप कुछ भी लिखेंगे तो ये आपका सेंटर पे लिखाएगा, ठीक है। अब अगर आपको मान लीजिए लगाना है लेफ्ट अलाइनमेंट, तो आप ये लेफ्ट पे क्लिक करोगे, सॉरी राइट पे आप क्लिक करोगे तो ये राइट पे पहुंच जाएगा। इसी तरीके से लेफ्ट पे क्लिक करोगे तो लेफ्ट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। ये जस्टिफाई होता है, ये जस्टिफाई क्या होता है, इसमें लेफ्ट और राइट एक बराबर होते हैं, ना तो लेफ्ट होता है ना तो राइट होता है। जैसे आप अपनी कॉपी में कोई भी मैटर को या किसी भी तरीके का कंटेंट नोट्स को आप बनाते हो, लिखते हो, तो वो आपका क्या हो, किस फॉर्म में होता है, जस्टिफाई फॉर्म में होता है, ठीक है। अब इसके बाद उसके बगल में आप देखोगे एक एरो बना हुआ है, अपर एंड डाउन एरो। ये अपर एंड डाउन एरो क्या है, ये लाइन स्पेसिंग होती है, इसको क्या कहते हैं, लाइन स्पेसिंग। ये लाइन स्पेसिंग क्या है, आपके पैराग्राफ में दो लाइन या दो से अधिक लाइनों के बीच के स्पेस को कहते हैं लाइन स्पेसिंग। अब बाय द वे, अगर हम उस स्पेस को कम करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, या हम उस स्पेस को रिमूव करना चाह रहे हैं, तो आपके सामने ये ऑप्शंस हैं, 1.15। तो देखिए 1.15 पे टिक का एरो लगा है, इसका मतलब ये है कि इस समय जो आपकी ये जो पैराग्राफ लिखाए जा रहे हैं या दो पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस है 1.15 इंच में है, ठीक है, कितना है, इंच में है। और उसके बाद ये आपका नीचे लास्ट में दिया हुआ है रिमूविंग स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, अगर आप इस पर क्लिक कर देते हो तो आपका स्पेस रिमूव हो जाएगा बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच के स्पेस को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। देखिए यहाँ पे स्पेस क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया, ठीक है, नैरो स्पेस। इसके बाद आपका इसी पैराग्राफ ऑप्शन में आता है आपका, आप देखेंगे बगल में आपको मिलेगा ये बकेट, बकेट कलर बकेट है। कलर बकेट होने का मतलब ये है कि अगर आपको अपने इस लेटर का कलर चेंज करना है, मतलब फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए, पैराग्राफ कलर चेंज करने के लिए, या किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, हम ये कलर बकेट का ऑप्शन यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ये आता है, इसी में ही आएगा आपका क्या, बॉर्डर। बॉर्डर ये आपका पेज का बॉर्डर हो सकता है, या सिलेक्टेड कंटेंट का। सपोज करिए हमें क्या, हमने क्या किया कि हमने ये एक लाइन सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इसको बॉर्डर करना है ना, ऑल साइड्स, है ना, सर्किल फ्रॉम द बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर से हमें इसे क्या करना है, इंडिकेट करना है। तो हम यहाँ से आएंगे और बॉर्डर पे हम क्लिक कर देंगे, देखिए ये आउटसाइड बॉर्डर इन दिस लाइन, इस लाइन के आउटसाइड पे पूरा बॉर्डर से इंडिकेट हो रहा है, ओके। इसके बाद आपका इसी जस्ट आपको क्या मिलेगा, A to Z, ये क्या है आपका, इसे कहते हैं शॉर्ट। शॉर्ट मतलब किसी को अरेंज करना, किसी भी लाइन को अरेंज करना अकॉर्डिंग टू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। शॉर्ट करना मतलब अरेंज करना या इंडेक्सिंग करना, जिससे आप कहते हो। तो अगर आपका अल्फाबेट फॉर्म में है तो वहाँ पे इंडेक्सिंग होगा ABCD या Z टॉप ऑन A, और अगर आपका न्यूमेरिक फॉर्म में है तो वो शॉर्ट होगा आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा आपका यहाँ पे शॉर्टिंग होगा, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया शॉर्ट, शॉर्ट ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा, ठीक है, ये शॉर्ट ऑप्शन आपको मिलेगा, ये पैराग्राफ टैब में, ठीक है, पैराग्राफ टैब के अंदर ये शॉर्ट ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको इसी के जस्ट बिहाइंड आपको ये ऑप्शन मिलेंगे। देखिए याद रखिएगा ये दो ऑप्शन है, ये है क्या, इसके बारे में क्या है, हाँ देखिए ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके मर्ज पार्ट, मर्जिन पार्ट होते हैं। मर्जिन पार्ट का मतलब ये है कि आपके साइड में आपके जो स्पेस होता है पेज के चारों ओर जो स्पेस होते हैं उसे मार्जिन कहते हैं। उस मार्जिन के स्पेस को अगर हमें सेट करना है, कंट्रोल करना है, तो ये हमारे पास मार्जिन पार्ट होता है। इसी पैराग्राफ के मार्जिन को हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप लेफ्ट साइड में सेट करना चाहें लेफ्ट में सेट कर सकते हैं, लेफ्ट एरो से इंडिकेट हो रहा है, और राइट में सेट करना चाहें राइट एरो से इंडिकेट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया। इसके अलावा आपका क्या है, इसी के जस्ट बिहाइंड आपको मिलेगा फॉन्ट ऑप्शन। फॉन्ट मींस सारे फॉन्ट, ये जो आपके वर्ड लिख रहे हैं इसके फॉन्ट कलर साइज
हर तरीके की चेंजेस को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज करिए हमने इसकी साइज को चेंज किया और इंक्रीज करके हमने कर दिया 24, तो ये देखिए यहाँ पे साइज बढ़ गया और क्या हो गया 24। सपोज करिए हमें इसके कलर को चेंज करना है तो हमने इसके कलर को भी चेंज कर दिया और इस तरीके से इसका कलर हो गया क्या, ये आपका हो गया ठीक है ग्रीन हो गया, मैंने ग्रीन कर दिया कलर। अब बाय द वे अगर आपको क्या करना है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन आप जानते हो, बोल्ड फॉर्म में आपको चेंज करना है, इटैलिक अंडरलाइन फॉर्म में चेंज करना है, तो फॉन्ट में ही आपको क्या मिलेगा, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन का मिलेगा ऑप्शन। वहीं पर आप क्लिक करोगे बोल्ड हो गया, आई पे क्लिक करोगे तो इटैलिक हो गया और यू पे क्लिक करोगे तो अंडरलाइन हो गया। तो देखिए हमने इस लाइन पे ये तीनों ऑप्शंस को अप्लाई कर दिया BIU ठीक है, बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन। इसके बाद आपका आता है लास्ट ऑप्शन, इधर साइड पे आपको मिलेगा स्टाइल का ऑप्शन। स्टाइल में क्या है कि आपके जो पेज में पैराग्राफ बन रहे हैं, जो लाइन बन रहे हैं, उसको अलग अलग स्टाइल से आप उसको इंडिकेट कर सकते हो अपने पेज पर ठीक है। स्टाइल बहुत सारे तरीके के यहाँ पे स्टाइल है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपका नॉर्मल स्टाइल है, नो स्पेसिंग, हेडिंग वन, हेडिंग टू, हेडिंग थ्री, बहुत सारे तरीके के स्टाइल है। आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप अपने पेज को जिस तरीके से तैयार करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से अपने स्टाइल को सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद उसको अपने पेज पे अप्लाई कर दोगे ठीक है। अब इसके बाद इसी के साथ बिहाइंड आपको ऑप्शन मिलेगा चेंज स्टाइल। देखिए यहाँ से भी आप चेंज स्टाइल ऑप्शन पे जाकर इसके कलर, फॉन्ट और स्टाइल सेट को आप चेंज कर सकते हो। और लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा एडिटिंग, एडिटिंग में आप क्या कर सकते हो, फाइंड रिप्लेस एंड सिलेक्ट ऑप्शन ठीक है। फाइंड फाइंड ऑप्शन में क्या है कि आपके पेज में कोई भी वर्ड, माय बाय द वे क्या है कि आपका पेज है 10 पेज है आपके सामने और 10 पेज में आपको क्या है कोई एक सिंगल वर्ड आपको सर्च करना है। मान लीजिए क्या है, एक नाम की लिस्ट है, 100 लोगों के नाम की लिस्ट है और आपको किसी एक का नाम सर्च करना है, तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ये फाइंड का ऑप्शन। जैसे ही आप फाइंड पे क्लिक करोगे आपसे पूछेगा फाइंड व्हाट, आपको क्या फाइंड करना है, आप यहाँ पे उस नाम को क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे फाइंड इन, फाइंड आप करोगे, इस पे क्लिक कर दोगे तुरंत तो वो ऑप्शन आपका क्या होगा, हाईलाइट होने लगेगा आपके पेज पर ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी चीज को फाइंड भी कर सकते हो, रिप्लेस भी कर सकते हो, खोजे गए वर्ड को आप क्या कर सकते हो, किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर सकते हो। बाय द वे किसी का नाम चेंज हो गया, अब मान लीजिए उसका नाम 10 11 है, तो आप उस 10 के 10 नाम को आप एक बार में रिप्लेस कर सकते हो किसी एक सिंगल नेम से, किसी एक सिंगल वर्ड से। कहाँ से आप करोगे, सेम प्लेस पर रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फाइंड व्हाट क्या किसको आपको चेंज करना है यहाँ पे आप क्लिक करोगे और रिप्लेस विथ किस वर्ड से आपको रिप्लेस करना है यहाँ पे आप क्लिक करके रिप्लेस रिप्लेस ऑल ऑप्शन का यूज करके रिप्लेस कर सकते हो। तो देखिए ये हमने आपको जो जानकारी दिया, ये हमने आपको जानकारी दिया एमएस वर्ड फॉर्मेटिंग की, फॉर्मेटिंग के बारे में हमने जानकारी दिया। इसके अलावा हम आपको पीडीएफ भी शेयर करेंगे, पीडीएफ में आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे, जो इम्पोर्टेंट उसमें टोपोलॉजीज रहेंगे हम आपको उसमें बताएंगे। और अगर इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप बेझिझक आप हमें ऐप पर कमेंट कर सकते हो, उसके लिए फिर हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।